बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिवकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही अच्छी एक सुंदर भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोगों को जब पता चला तो गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया जो चोट के डर से रो रहा था। अब गांव वाले रोज आते और उसी के ऊपर नारियल फोड़ते। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए भगवान बहुत अच्छा सोचते हैं, मगर हम उनकी तराशने की चोट से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो हमें साहसी बनना चाहिए और निडर होकर के आगे बढ़ना चाहिए।